हेलो गाइस, आज हम अपने जायका होम किचन में बनाने जा रहे हैं पोहा और सूजी का नाश्ता। चलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी पोहा ले ली हूँ और एक कटोरी सूजी ले ली हूँ। अब मैं पोहे को 2-3 पानी से अच्छे से धो के इसे 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट बाद देखिए पोहा बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम पोहे को जार में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। पांच छह अदरक और लहसुन की कलियां और 5-6 हरी मिर्च। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी दही। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे। देखिए इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है ना ज़्यादा इसे हमें पतला करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये नाश्ता बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें हम 1 पैकेट इनो डाल देंगे। इसे भी हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो। अब 1 डब्बा या थाली कोई भी ले लेंगे, उसमें तेल लगा देंगे चारों तरफ अच्छे से और इस घोल को डाल देंगे। अब इसे हम स्टीम करेंगे। मैंने पहले से ही पानी को चढ़ा दी गर्म करने के लिए। अब इसमें हम 1 स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम ये प्लेट को रख देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे स्टीम होने के लिए। अब खोल के देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए। इसे चेक कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब गैस बंद करके इसे हम ठंडा होने देंगे। अब ठंडा होने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। देखिए गाइस ये कितना सॉफ्ट बना है। अब इसमें हम तड़का लगा लेंगे। अब इसको हम सैंडविच की तरह काटेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब हम तड़का लगाएंगे। 5-6 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई पैन में। हल्का सा इसे हम गर्म होने देंगे। राई डाल देंगे इसमें हम। सफ़ेद तिल डालेंगे और 5-6 हम करी पत्ता डालेंगे। और चॉप करी उसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे जो हमने नाश्ता बना के रखा था और इसे हम क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। दोनों तरफ से साइड से हम इसको पका लेंगे। अब ये 1 तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम पलटा के इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देंगे। देखिए गाइज ये कितना अच्छा क्रिस्पी बन के नाश्ता तैयार हुआ है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए गाइज ये सूजी और पोहे का नाश्ता बन के तैयार है।
गाइस इस नाश्ते को आप कभी भी बना सकते हो, मॉर्निंग में या इवनिंग में। बच्चों के लिए तो नाश्ते के लिए, टिफिन के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं गाइस एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।